अजेंद्र नगर हादसे में बड़ा इंकशाफ हुआ है, बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। 13 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील कर दिए गए हैं। एमसीडी ने ओल्ड राजेंद्र नगर में ये कार्रवाई की है। पूरे इलाके में एमसीडी टीम की जांच जारी है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से हुई थी 3 स्टूडेंट्स की मौत। कोचिंग हादसा मामले में एमएलए दुर्गेश पाठक को एनसीडब्ल्यू ने नोटिस दिया है। 2 अगस्त को दुर्गेश पाठक को शख्सी तौर पर पेश होने की हिदायत दी गई है और इसे पूरा ना करने पर परिणाम बुरे भी इसके हो सकते हैं, ये कहा गया है। वहीं दिल्ली में आज भी तलबा का जो धरना है वो जारी है। इंसाफ की यकीन दहानी और 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग इनके जरिए की जा रही है ताकि ये वाकया दोबारा ना हो। वहीं दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स में हादसे के बाद अब एमपी सरकार भी कोचिंग सेंटर में लापरवाही पर सख्ती बरत रही है। सभी जिलों के डीएम को जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। कोचिंग सेंटर में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की भी हिदायत दी गई है। तोड़ राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ है उसके बाद लगातार अहम कदम उठाए जा रहे हैं। मैं किशोर, मैंने 26 जून 2024 को बेसमेंट आईएएस की कंप्लेंट की थी। इस संबंध में पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को बताया था कि कैसे ओल्ड राजेंद्र नगर एवं साउथ पटेल नगर में और पूरे पटेल नगर में लाइब्रेरियां और कोचिंग्स बेसमेंट में संचालित होते हैं। स्पेशली मैंने लाओ आईएएस के बेसमेंट की कंप्लेंट की थी क्योंकि उसमें दुर्घटना होने की संभावना लग रही थी। तो कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद जो स्टूडेंट्स का गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनकी मांग है कि 1 करोड़ मुआवजे का दिया जाए जो स्टूडेंट्स इस हादसे में जान जिन्होंने गवाई उनके घर वालों को, और साथ ही आपको बता दें कि यकीन दहानी की भी वो मांग कर रहे हैं ताकि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो। हमारी नुमाइंदा अंजलि सिंह इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है। अंजलि, तो इस मामले में फिलहाल अपडेट वहां पर क्या मिल पा रही है क्योंकि स्टूडेंट्स का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है, जाँच किस तरीके से आगे बढ़ रही है? देखिए, जहाँ तक बात करें जांच की तो इसमें 5 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। कल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक अभिषेक गुप्ता शामिल थे और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह शामिल थे। इसके अलावा आज 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें जो लाइब्रेरी चलाने वाले उसके जो मालिक थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो एक काली गाड़ी गुजरती हुई दिखाई दे रही है वीडियो में, जिससे एक लहर उठी थी जिसके चलते गेट टूट गया था कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उनकी भी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि नोटिस जारी किया जाएगा एमसीडी को और तमाम वो लोग जो ड्रेनेज मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यहां पर रिस्पॉन्सिबल थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी, यानी अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में अब दिल्ली पुलिस की ओर से ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें एमसीडी की तो एमसीडी ने इस इलाके में 13 इंस्टीट्यूट जो हैं उनके कुछ के बेसमेंट में बने लाइब्रेरीज को या फिर कुछ इंस्टीट्यूट्स को, करीब 13 ऐसे इंस्टीट्यूट बताए जा रहे हैं जहाँ पर सीलिंग का काम किया है, सीलिंग की कार्रवाई की है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो दिल्ली पुलिस की FIR में भी मेंशन किया गया है कि बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम को संभालने वालों की ही मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा गया कि काफ़ी समय से जो नाले हैं और जो सीवर हैं उनको उनकी डिसिल्टिंग का काम नहीं किया गया, उनकी साफ़ सफाई का काम नहीं किया गया। इलाके के लोगों का कहना है कि गाद और कीचड़ जो है पूरी तरह से इकट्ठा हो गया था नालों में, सीवर में, तो ऐसे में पानी यहाँ पर ओवरफ्लो हमेशा ही करता है। जब भी बारिश होती है, कुछ घंटों की ही बारिश होती है, तो घुटनों तक और कमर तक पानी आ जाना लोगों के लिए आम बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये जो लूप होल है सिस्टम के, ये पहले से पता होते हैं और हमेशा जो दावा है वो किया जाता है कि इस बार तैयारी पूरी है, तो वो साफ सफाई का काम पहले क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हादसे के बाद कल हमने देखा कि कैसे एमसीडी के ट्रक यहाँ पर पहुंचे और तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर साफ सफाई के काम करने में लग गए। किसी से भी जवाब आप मांगिए तो कोई सीधा जवाब नहीं दे रहा, लेकिन अब आप कह सकते हैं एक तरह से कि वो लीपा पोती का काम जरूर यहाँ पर किया जा रहा है। और ऐसे में तमाम जो छात्र यहाँ पर हैं, कल भी काफी बड़ी संख्या में छात्र यहाँ इकट्ठा हुए थे जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे भी छात्र काफी देर तक डटे रहे जिससे पूसा रोड का पूरा ट्रैफिक जो है बाधित हो गया था। आज भी छात्र यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर चलता है जो इस तरह से नियमों को ताक पर रखकर, नियमों की धज्जियां उड़ाकर बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने का, बेसमेंट में क्लासेस चलाने का काम कर रहे हैं। और सवाल उन प्रशासनिक अधिकारियों पर भी उठता है जो NOC तो जारी कर देते हैं लेकिन क्या वो इंस्पेक्शन नहीं करते, क्योंकि MCD के नियमों के मुताबिक बेसमेंट में किसी भी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है।
तो ऐसे में अगर क्लासेस चल रही हैं, लाइब्रेरी चल रही है या दुकान चल रही है, तो वो किस आधार पर एनओसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया जाता है। साथ ही साथ फायर एनओसी भी राव इंस्टीट्यूट को दी गई थी, लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरी चल रही थी, क्या इस बात की इस बात का किसी ने निरीक्षण किया या नहीं? ये तमाम बड़े सवाल है जो उस समय दिल्ली पुलिस की जांच का हिस्सा है, और पुलिस इसी आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है।